रास्ता तो देखो एकदम जंगल जंगल वाला रास्ता है। रात को आएंगे ना भाई, कसम से फट जाएगी। अरे अक्षय भाऊ, तो जब फास्ट बाइक चला रहे तब भगवान हमको हमको याद कर। Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. What's up guys, welcome back to my channel. I hope you guys are absolutely fine. तो अभी थोड़ा अच्छा एटमोसफियर हुआ है बाहर, तो हमने सोचा कि चलो हाईवे साइड निकलते हैं, कहीं कैफे पे जाके बैठते हैं। और अजय को मैंने अभी जस्ट कॉल किया और उसको बोला तो फटाफट 5 मिनट में रेडी हो जा, कहीं पे जाते हैं बैठते हैं और बातें बातें करते हैं। और अभी 2 दिन पहले हमने राइड की थी सामला जी की, और आप लोगों को वो वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया, और मैं आप लोगों की सारी कमेंट्स रीड करता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। और मोस्ट ऑफ द कमेंट यही आ रही थी कि आप ऐसे ही ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते रहो, बड़ा मज़ा आता है। तो अभी हम लोग उसी के लिए और उसी की प्लानिंग के लिए, मतलब अपकमिंग राइड की प्लानिंग के लिए मिल रहे हैं। और जैसे प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था कि हम एक लॉन्ग राइड करने वाले हैं, तो उसी की प्लानिंग होगी आज। और व्लॉग में मैं शायद नहीं बताऊंगा, थोड़ा सरप्राइज रखूंगा, लेकिन थोड़ी हिंट मिल जाएगी आप लोगों को। और कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी गया था, तो वहाँ भी बहुत सारी हिंट मैंने दी थी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पे अपडेट पहले मिल जाता है। तो अभी निकलते हैं फटाफट और ऐसे ही रैंडम ब्लॉग बनाते हैं आज, और बातें करते हैं आप लोगों से। तो चलिए चलते हैं। लेट मत कर यार, इतना लेट मत कर, मैंने व्लॉग भी चालू कर दिया, मैं तेरे को व्लॉग में एक्सपोज करूंगा। ये दिखा, मैं दिखा, झूठ नहीं बोलता मैं, मेरे को बोलता है तू घर से निकला नहीं है, कब का खड़ा हूँ धूप में। तो क्यों पहनता है ऐसा हाफ स्लीव्स? सरस, हाँ चल चल तू स्लीव्स पहन चल। सो गाइस, अभी प्लानिंग में थोड़ा चेंजेस है। पहले डिसाइड किया कि कैफ़े पे चलते हैं गांधीनगर, वहाँ पे टोल टैक्स के बाद एक सर्कल आता है लाल गिबी सर्कल, वहाँ पे अक्षय भाई वेट कर रहे हैं। वहाँ से निकलते हैं एक अच्छी सी जगह पे, क्योंकि आज सैटरडे है, तो अक्षय भाई बताएंगे आपको कहाँ निकल रहे हैं हम लोग आज। लेकिन हमारे अक्षय भाऊ दिख नहीं रहे। भाऊ भाऊ किधर हो भाऊ? क्या प्लान आपने चेंज कर दिया? हम जा रहे थे कैफे पे। एक काम करते, एक काम करते, आज सैटरडे बजरंग बली के दर्शन करके आते। तो एक काम करते अपने रिटर्न में कैफे पे चलते, जाना है ना कैफे पे, तपोवन सर्कल के आगे। तो प्लानिंग में चेंजेस ये है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बजरंगबली का मंदिर है, तो वहाँ पे जाके आते हैं। आज जो सैटरडे है तो चलो दर्शन कर लेते, फिर हम लोग रिटर्न में जाएंगे कैफे पे। कैफे नज़दीकी है, लेकिन यहाँ तक आ गए हैं तो जाके आते हैं, इसलिए अक्षय भाई ने बोला पहले मंदिर फिर कैफे। हमने बोला कोई नहीं चलो, आज अच्छा दिन है, तो आज सैटरडे भी है, अच्छा दिन है, तो जाके आते हैं और एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी। मतलब रास्ता तो देखो एकदम जंगल जंगल वाला रास्ता है, गांव से होके जाता है रास्ता, और सेंटर में मंदिर। रात को आएंगे ना भाई, कसम से फट जाएगी। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी एक भी नहीं है, नॉर्मल लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट तो क्या, नॉर्मल लाइट भी नहीं है यहाँ पे। गांव से निकल रहे हैं और इतना पतला रास्ता है, और एग्जॉस्ट बहुत लाउड है मेरी बाइक का, मालूम है सबको, तो गूंज रही है आवाज़, इसलिए मैं नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल गियर में मेंटेन करके चल रहा हूँ। अरे अक्षय भाऊ, भाऊ क्या करते हो भाऊ? ज्यादा हो गया क्या आज? तो
से भाऊ, भीड़ तो देखो, सैटरडे है तो जूम कर। क्या जूम करने का, इधर से देख ही तो रहा है। आज सैटरडे, यहाँ पे आना जरूरी था। हमको मालूम ही था कि आज सैटरडे, इसलिए यहाँ पे मतलब ज्यादा भीड़। क्या है, हम भगवान को याद नहीं करते हैं ना, तो जब फास्ट बाइक चला रहे हैं तब भगवान हमको हमको याद करते हैं। नहीं सही बोला, इसलिए ना आज सैटरडे इसलिए यहाँ पे आए, और मंडे को जाएंगे केदारनाथ। केदारनाथ मंडे को जाते हैं केदारनाथ, नहीं तो वहाँ से बुलावा आया ना, तो फिर भी नहीं। केदारनाथ से बुलावा है मतलब पद गया अभी ऊपर। 1 hour later अक्षय भाई का जो बोलना था कि भगवान को याद नहीं करते हम लोग, नहीं तो भगवान हमको याद कर लेंगे, वो जस्ट अ जोक था, तो थोड़ा सीरियसली नहीं लेने का। हम सबको याद करके ही घर से निकलते, और भगवान को याद किए बिना राइड की शुरुआत भी नहीं होती हमारी। इसलिए आज सैटरडे था तो हम लोग आ गए यहाँ पे, और सडनली प्लान बना, लेकिन मज़ा आया। और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे गांधीनगर, और वहाँ पे कैफ़े है जो मैं और अजय कल गए थे, वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा प्लानिंग करेंगे हमारी लॉन्ग राइड का, और फिर करेंगे लॉन्ग राइड बहुत जल्द। कैसी जगह है भाऊ, पेड़ पे बैठने का मजा आ रहा है? जंगल जैसे भी आम का पेड़ है। आम नहीं है, सिर्फ लाइटें लगी है। और ये खाना आने दो टेबल पे, देखो हमारे लिए एक एक चेयर, हमारे हेलमेट के लिए एक एक चेयर, और हमारे बैग के लिए एक एक चेयर। और ये जगह ना हम लोग कल आए थे, कल अप्रोक्सीमेटली 5 बजे, 4:30-5 बजे, और मतलब पहले हम लोग पीछे बैठते थे, पीछे भी बैठने की बहुत सारी जगह है, लेकिन अभी टेरेस पे एकदम सेकंड फ्लोर पे मज़ा आ रहा है। कॉफ़ी मंगाइए भाई। भाऊ आपके नाम की कमेंट आ रही है भाऊ, हाँ मराठी में बहुत सारे। आप रिप्लाई तो करो यार उन लोगों को। मेरे को आती नहीं मराठी, लेकिन मैं रिप्लाई देता हूँ। मेरे को सिखा देना रिप्लाई कैसे देने का, मतलब मंजे कैसे बोलने का। कैसा कैसा बढ़िया बढ़िया। नहीं बढ़िया नहीं आता ब्रो, क्या मराठी में क्या बोलते हैं? रे कल संडे राइड है, लेकिन कल मैं नहीं जा पाऊंगा संडे राइड। मेरा बाइक अजय लेने जाने वाला है, वो जा रहा है सुरेंद्रनगर, अक्षय भाई जा रहे हैं कंपनी के काम से बाहर, तो कल संडे राइड नहीं हो भाई हमारी। और हमारी जो अपकमिंग राइड है लॉन्ग राइड, वो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। द नेक्स्ट डे, सो हमारी लॉन्ग राइड का प्लानिंग तो चालू है, 50% हो गया है, और 50% प्रोसेस में है। जब 100% प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा, एकदम डन, तब इंस्टाग्राम पे अपडेट आ जाएगा। तो मेक श्योर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर दिया होगा इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ब्लॉग, कोई भी लॉन्ग राइड का सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पे आ जाता है। सो जाइए फॉलो कर दीजिए। तो संडे राइड पे भी नहीं गया, अभी जस्ट नहा धो के फ्रेश होकर बैठा हूँ, दोपहर के 2 बजे, और 3:30-3 बजे तक ब्लॉग भी आ जाएगा। आज सोचा कहीं नहीं जाते, आराम करते घर पे, और मेरी बाइक तो अजय लेके गया है अपने गाँव, वो रात तक नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा चलो आज आराम करते संडे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ आरडीएस, थैंक यू।